एमन जे नीलोफर दवाखाने से मुत्तसल रोड पर रोज़ाना गंदी नालियों का पानी रिसता रहता है, जहां पर अवाम को इस पानी से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं इस गंदे पानी की वजह से अवाम को किस तरह की मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, यहां के मुकामी अवाम इस ताल्लुक से क्या कहते हैं। आज मैं जो है जीएचएमसी वालों को कई मरतबा कंप्लेन देने के बावजूद भी जो है ये मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे के सामने जो है गंदगी जा रही है, नमाज के लिए पूजा के लिए लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज मैं जो है इस चैनल के माध्यम से मैं केसीआर साहब को भी लिख के दिया, जीएचएमसी वालों को भी लिख के दिया, डीजीपी साहब को भी दिया, कमिश्नर साहब को भी दिया, एरिया पुलिस स्टेशन के अंदर भी दिया, इन लोगों के ऊपर एक्शन लो बोल के, बट नोबडी कैन नॉट बी टेकिंग द एक्शन। मैं जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दिल्ली में भी इस बात को रखा हूँ कि जो है सर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर कैन यू नॉट सैंक्शन इन बजट फॉर ऑल द डिपार्टमेंट ऑल ओवर द इंडिया, बट नोबडी कैन नॉट बी टेकिंग द एक्शन। मैं होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से भी और मिनिस्ट्री ऑफ होम से भी मैं ये गुजारिश करूँगा, मैं कई मरतबा और डिप्टी सीएम साहब के सामने भी ये बात, होम मिनिस्टर साहब के सामने भी मैं ये बात रखा, मगर एक्शन लेने कोई तैयार नहीं है, जो भी आता है डिले करता है। तो मैं गुजारिश करूंगा इस चैनल के माध्यम से, हाईटेक टीवी के माध्यम से, कि आप लोग इस न्यूज़ को देखने के बाद से तेलंगाना स्टेट के अंदर जहाँ जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी एरियाज है, स्कूल है और जो है दूसरे जो भी जीएचएमसी के वर्कर है, ग्राउंड जीरो के जितने भी वर्क्स बाकी है, इसको पूरी तरीके से जो है करने की कोशिश करें, इसीलिए कि जो है सिटीजन्स के ये राइट्स है। और स्वच्छ भारत अभियान बोल के बोले कुछ भी इसके ऊपर जो है एक्शन नहीं लिया गया, और मैं पूरा अंडर कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बातें अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ये बातों को रख रहा हूँ। और पानी के अंदर जो है डेंगू मलेरिया निमोनिया के जो है यहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं तकरीबन नीलोफर एमएनजे हॉस्पिटल के पास, इन लोगों के अंदर भी जो है कई ऐसे यहाँ पे गंदगी पूरी रखी हुई है बिल्कुल हॉस्पिटल के करीब में, मंदिर के बाजू में एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल के पास, नीलोफर के पास भी रोड पे जो है लोग खा के थूक के वो करते, कोई सिस्टमेटिक वर्क नहीं हो रहा। और पीने के पानी में जो है डेनिश की पाइपलाइन जो है मिल गई और इससे भी जो है पानी पीने से लोगों में बीमारियाँ फैल रही। तो मैं गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा हैदराबाद के चीफ मिनिस्टर साहब से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, ऑल द कैबिनेट्स सबसे मैं गुजारिश करूंगा, हाईटेक टीवी चैनल के माध्यम से आप लोग इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा एक्शन ले और वर्कआउट करें। इट्स टाइम वॉच द ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड स्पेशली हैदराबाद तेलंगाना स्टेट, वर्क इज द मीनिंग ऑफ सिटीजन राइट्स। अगर आप लोग राइट के काम नहीं करेंगे प्लीज सर, अभी मैं चैनल के माध्यम से बोलूं वरना मैं क्लियरली आके बोलूंगा एज अ माय राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर काम आप लोग को करना नहीं है, बाकी मुद्दा आप लोग समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर ये सारी बातें जा चुकी है। हाईटेक टीवी के माध्यम से मैं ये बातें आप लोगों के सामने रखा हूँ, एमएनजे हॉस्पिटल बल्कि नहीं हैदराबाद तेलंगाना स्टेट के तमाम हॉस्पिटैलिटी के अंदर ये वायलेंस पूरा पानी का, ड्रेनेज का, झाड़ों का, इलीगल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का, सो मेनी एक्सेट्रा, प्लीज टेक द एक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इमीडिएट।